के 1 बजे टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक। अरे आगे बढ़ साले। बाहर बारिश हो रही है। टिप टॉप टिप टॉप टिप टॉप। अरे अरे इसका फिर से चालू हो गया रे। घर में कोई नहीं, कुंडे भी लगाया हुआ है। कुछ है तो वो सिर्फ हाई स्पीड इंटरनेट, फुल HD मॉनिटर जिसपे कुछ मच्छरों ने पॉटी किया हुआ है, नरम नरम मुलायम हेडफोन, एक व्हाइट कलर का रुमाल और आखिर में मैं खुद। बीको बजरे दंती। नो, इट्स कोलगेट, बिकॉज कोलगेट देता है 99.99% सफाई, डॉक्टरों का मनपसंद, हजारों माओ का भरोसा। क्या कर रहा है, एज रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि शायद आपको पता ही नहीं कि आप एक जीनियस हो। आप लोगों में से ज्यादातर लोग शायद ये सोचते होंगे कि यार मेरे मार्क्स तो उतने अच्छे नहीं आते, हट मैं तो कोई काम का नहीं, जीनियस तो दूर की बात है। पर दोस्त, जीनियस मतलब वो नहीं जो हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स लाए। जीनियस का मतलब कुछ और ही होता है। अपने अंदर झांक के देखो। आज इस वीडियो के खत्म होने तक शायद आपको पता चल जाए कि आप एक सुपर बुद्धिमान इंसान। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। तो आज हम बात करेंगे। नो, स्टॉप। आई एम सॉरी, मैं कैमरे के सामने बोल नहीं सकता क्योंकि पता नहीं क्यों। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी वीडियो के ऊपर जिसको देखने के बाद आप ये समझ जाओगे कि आप एक सुपर बुद्धिमान हो या फिर एक गधे का बच्चा। तो हम लोगों का साइंस, नहीं, इंडियन यूट्यूबर्स का साइंस इतना आगे चला गया है, मतलब नेक्स्ट लेवल, जिसे ये सब छोटी मोटी चीज बड़ी आसानी से समझ सकते हो। व्यवहारों और आदतों के बारे में बताऊंगा जो अगर आप में है तो साइंटिफिकली आप एक जीनियस हो। और देखो, पहले ही बोल देता हूँ कि इन सिग्नल्स को मजाक में मत लेना। ना, एकदम मजाक में मत लेना। तुम लोगों को पता है घंटों भर संडास पे बैठ के सोच के इन्वेंट की है इसने कि कैसे पब्लिक को मुर्गा बनाया जाए, तो एकदम भी मजाक में मत लेना। नंबर 10, स्टेइंग अप लेट, यानी रात को देर तक जागने की आदत। तो इस भाई सब के हिसाब से जो लोग रात को देर से सोते हैं वो लोग जीनियस है। तो अभी टाइम है रात के 1:30 और यह है मेरा फेसबुक आईडी जहाँ पे कम से कम 50 से 60 लोग ऑनलाइन है। इसका मतलब ये सभी लोग जीनियस है ना भाई? ना, अगर ऐसे होते तो ऐसा पोस्ट शायद कोई शेयर ही नहीं करते। इस पोस्ट को अगर 50 लोगों के साथ शेयर करे तो पेटीएम में 50 रुपए मिलेगा। एडिक्शन फॉर समथिंग, देखो किसी भी चीज की अगर हमें नशा होती है तो वो एक केमिकल के चलते होती है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। और जो जीनियस होते हैं उनका दिमाग औरों से ज्यादा तेज होता है, उनकी डोपामीन सेंसिटिविटी हाई होती है, मतलब उनका दिमाग हमेशा हाई रहना चाहता है और इसके चलते उन्हें किसी न किसी चीज की एडिक्शन होती है। कंप्यूटर गेम्स की एडिक्शन, मोबाइल फोन्स की एडिक्शन या कोई भी एडिक्शन। वाह। तो इस सुपर बुद्धिमान के हिसाब से जो लोग किसी चीज के ऊपर एडिक्ट हो जाते हैं वो सुपर बुद्धिमान होता है। अगर रास्ते में कभी ऐसे इंसान मिल जाए तो फिर उसका पैर छूना, क्योंकि ये भी सुपर बुद्धिमान है। भाई तो शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अगर सुपर बुद्धिमान बनना चाहो तो थोड़ा बहुत पी सकते हो। और अभी तुम लोग ही बताओ कौन नहीं होता एडिक्टेड कंप्यूटर या फिर मोबाइल से। ये तो आपको पता ही होगा कि इस दुनिया के 700 करोड़ की आबादी में सिर्फ 8% लोगों के पास ही ब्लू आईज है। कई यूनिवर्सिटीज में ये पता चला है कि जिन लोगों के पास ब्लू आईज होते हैं वो लोग ज्यादा स्ट्रेटेजिक थिंकर्स
यानी रणनीतिक विचारक होते हैं। ब्लू आईज होता है HRC2 नाम का एक जीन के कारण। ये बात सही है कि ब्लू आईज बहुत ही कम लोगों का होता है, पर ब्लू आईज से इंटेलिजेंट होने का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जैसे कोई इंसान लंबा होता है, कोई इंसान कम लंबा होता है, कोई ब्लैक होता है या फिर कोई व्हाइट होता है, वैसे कुछ कुछ लोगों का ब्राउन आईज होता है, कुछ कुछ लोगों का ब्लू आईज होता है। नंबर 1 नेल साइन। अगर आपके अंगूठे, जी हाँ अंगूठे, मैं किसी और फिंगर की बात नहीं कर रहा, अगर आपके दाएं अंगूठे में ये साइन है तब आपकी इंटेलिजेंस बहुत हाई है। मैं ये सब बारे में ज्यादा नहीं जानता, बट एक वेबसाइट है साइंस फोकस नाम का, जहाँ पे ये सब चीजें बहुत ही आसानी से समझाया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। कम से कम इससे कोई जीनियस नहीं हो सकता। बाय द वे बहुत सारा बेवकूफी वाला बात इसने की है। अगर इन सारी बातों को मैं गलत साबित करने बैठ जाऊँ तो तुम लोग वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। असल में ये सुपर बुद्धिमान कुछ ऐसी पॉइंट्स बोले हैं जो हर दूसरे इंसान में मौजूद होते हैं। जब तुम लोग ये वीडियो को देखोगे और अपने आप से कंपेयर करोगे और ऊपर से कुछ कुछ चीजें अपने आप से मिलता जुलता होगा, तब नॉर्मल है तुम्हें उस वीडियो को पसंद आएगा, फिर तुम उस वीडियो को लाइक करोगे और फिर भाग जाओगे। और ये सब करके ये लोग लाइक्स पे लाइक्स और व्यूज पे व्यूज पा रहा है। और मेरे हिसाब से हर इंसान को अपने काम से पहचाना जाता है, ना कि सुपर बुद्धिमान से। तो यार आज के लिए बस इतना ही। मैं कभी लाइक्स का एम नहीं रखता, बट इस वीडियो में मैं 35 लाइक्स का एम रखता हूँ। वैसे एवरेज 25-30 लाइक्स हो जाता है, पर यार इस वीडियो में 35 कर दो तुम लोग। और अगर तुमने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को जरूर से दबाओ और बन जाओ यूट्यूब पर नोटिफिकेशन स्क्वाड मेंबर। और अगर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो यार सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं करते सब लोग।